मुझे राइटर बनना है। राइटर? कैसा राइटर, क्या लिखोगे? पोएम, नोवेल, कहानियां, सब कुछ? ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और फैक्ट्री में हमारे साथ काम करेगा। अरे वो बोल रहा है कि वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है, तो पढ़ने दो, क्या बुरा है उसमें? राइटर लोगों की बहुत इज्जत होती है आजकल। इज्जत से पेट नहीं भरता ना? नहीं, ये राइटर्स मरते हैं भूख से या तो फिर शराब पी के। गली के हर कोने पर एक राइटर मिलेगा हाथ में कटोरा थामे। ऐसा नहीं है भैरव भैया, वो जमाना गया, सारे राइटर भीख मांगे नहीं होते। आजकल करोड़ों की रॉयल्टी मिलती है राइटरों को। मिलती होगी, करोड़ों की रॉयल्टी उन्हें मिलती होगी जिनके पास पहले से करोड़ है। इनके पास एक ढेला नहीं है और ना ही इनके बाप के पास। अगर हमारे साथ हमारे कमाए पर रहना है, पहनना खाना है, तो फिर रहना भी पड़ेगा वैसे ही जैसे हम चाहें। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना है। किसी ने पूछा तुमसे? क्या घूर क्या रहे हो? नजरें नीचे करो और खाना खाओ। जब दो बड़े बात करते हो बीच में नहीं बोला। एक चमाट पड़ेगी ना तो उबल के आंख बाहर निकल आएगी। खाना खाओ। देख रहे हो, देख रहे हो चिमी, इसकी हिमाकत देख रहे हो? नहीं, अगर हमने इस तरह हमारे बाबूजी के साथ बदतमीजी की होती ना तो स्टील के साथ हमारी हड्डियां गला देते भट्टी में। अगर इनकी तरह इंडिया के बेस्ट स्कूल से हम निकाले जाते तो हमारे बाबूजी हमें घर में ही ना आने देते, वहां बाहर सड़क पर खड़ा रह के कहते कि पहले कमाओ खाओ फिर आना घर। और हम भी चार पैसे कमाए बगैर घर का मुंह नहीं देखते। ऐसे थे हमारे बाबूजी। और ये तुम्हारी तरह हवा हवाई की बात की तो सीधी एक चमाट पड़ती थी। और आज के बाद अगर तुमने भी बदतमीजी बंद नहीं की तो वही सुलूक होगा तुम्हारे साथ। कम से कम 8 साल में एक बार तो मिलने जरूर गए होते आपके बाबूजी। भैया नहीं, भैया बच्चा है, उसे नहीं पता क्या बोल रहा है। अरे चिमीस की बदतमीजी तो देखो तुम्हें रोहन।